राज्यभवन से बुलावा नहीं आया है, लेकिन बीएस येदुरप्पा कल शपथ लेने का खम ठोक रहे हैं। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है और जेडीएस अपने विधायकों के 100-100 करोड़ रुपए ऑफर मिलने की बात कर रही है। पर कर्नाटक में सरकार कौन बनाएगा, बस एक ही आदमी जानता है, वाजू भाई वाला। वो मोदी सरकार में कई साल कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, कायदे कानून बखूबी जानते हैं। वो जानते हैं कि किसे सरकार का बुलावा देना चाहिए और किसे नहीं। लेकिन बात करें राज्यपालों की, राजनीतिक भूमिकाओं की, तो इस बात से पन्ने भरे पड़े हैं। कर्नाटक के राज्यपाल कभी यूपीए सरकार में मंत्री रहे हंसराज भारद्वाज थे। सदन में बहुमत साबित करने के बाद भी बीएस येदुरप्पा की सरकार को गलत तरीके से बहुमत जुटाने के आरोप में बर्खास्त कर दिए। साल 1983, पहली बार कर्नाटक में कांग्रेस से जनता पार्टी ने सत्ता छीनी थी, लेकिन सीएम रामकृष्ण हेगड़े एक टेलीफोन टैपिंग मामले में गद्दी से हट गए। तब राज्यपाल पी वेंकट सुब्बैया ने जनता पार्टी की सरकार इस स्वविवेक पर बर्खास्त कर दी कि वे सदन में बहुमत खो चुके हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को गलत ठहराया और फिर से जनता पार्टी की सरकार बनी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एनटी रामा राव एक बार अपने हार्ट की सर्जरी कराने के लिए अमेरिका गए हुए थे। जब वो अमेरिका से लौट के आए तो उन्होंने पाया कि राज्य में उनकी सरकार ही बर्खास्त हो गई है। उनकी जगह पर उनके ही वित्त मंत्री भास्कर राव को मुख्यमंत्री बना दिया गया है और ये किया था वहां के राज्यपाल ठाकुर रामलाल ने। उन्होंने उसका जबरदस्त विरोध किया। बाद में राज्यपाल बदले, शंकर दयाल शर्मा आए और उन्होंने फिर से एनटीआर की सरकार बनवा दी। साल 2005, बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह ने आधी रात को विधानसभा भंग कर दी। उनका तर्क था कि ऐसा उन्होंने राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बूटा सिंह के इस फैसले को असंवैधानिक करार दे दिया। बूटा सिंह की नियुक्ति यूपीए सरकार में हुई थी। साल 2005, झारखंड में त्रिशंकु विधानसभा आने के बाद राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी ने शिब्बू सोरेन की सरकार बनवा दी, पर वे सदन में बहुमत साबित करने में फेल रहे। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल रोमेश भंडारी द्वारा कल्याण सिंह की सरकार की बर्खास्तगी हो या हरियाणा में जीपी तापसे द्वारा देवीलाल सरकार की बर्खास्तगी, कई बार राज्यपालों के स्वविवेक चर्चा में आते रहे हैं। अब कर्नाटक में क्या फिर से एक इतिहास बनेगा या कर्नाटक में राज्यपाल दोबारा चुनाव की संस्तुति करेंगे, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ लोकमत न्यूज हिंदी पर।